किस बात की माफी मांगे? पहले प्रहलाद जोशी जी आप सबको ये समझाए किस बात की माफी मांगे कि हम लोग महाराष्ट्र की जनता की आवाज उठा रहे थे, देश की जनता की आवाज उठा रहे थे, किसानों की आवाज उठा रहे थे, उनके मुद्दों की आवाज उठा रहे थे, प्राइस राइज पे उठा रहे थे, फ्यूल प्राइस पे उठा रहे थे, किसानों की हो, महिलाओं की हो, किस बात के लिए माफी मांगे? अगर प्रजातंत्र की बात करते हैं, प्रजातंत्र का अगर दम घूटा होगा तो इस सरकार ने घूटा होगा, तो पहले वो देश की जनता के सामने ये बताएं कि ऐसा क्या चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए विपक्ष को कि जनता की आवाज बनकर खड़े हुए हैं उसके लिए माफी मांगे? कोई माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि हम जनता की आवाज रख रहे थे। किस बात की माफी मांगे? पहले प्रहलाद जोशी जी आप सबको ये समझाए किस बात की माफी मांगे कि हम लोग महाराष्ट्र की जनता की आवाज उठा रहे थे, देश की जनता की आवाज उठा रहे थे, किसानों की आवाज उठा रहे थे, उनके मुद्दों की आवाज उठा रहे थे, प्राइस राइज पे उठा रहे थे, फ्यूल प्राइस पे उठा रहे थे, किसानों की हो, महिलाओं की हो, किस बात के लिए माफी मांगे? अगर प्रजातंत्र की बात करते हैं, प्रजातंत्र का अगर दम घूटा होगा तो इस सरकार ने घूटा होगा, तो पहले वो देश की जनता के सामने ये बताएं कि ऐसा क्या चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए विपक्ष को कि जनता की आवाज बनकर खड़े हुए हैं उसके लिए माफी मांगे? कोई माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि हम जनता की आवाज रख रहे थे।